मुख्यमंत्री संग वीडियो कॉन्फ्रेंस में मास्क पहनकर बैठे पीएम मोदी, लॉकडाउन बढ़ाने पर मांगा सुझाव। देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने सभी से लॉकडाउन को बढ़ाने समेत इस संक्रमण के निवारण के उपायों तथा आवश्यक कदमों पर सुझाव भी मांगा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह तथा नाक को रुमाल से किसी कपड़े से बने मास्क ढका था, वहीं अन्य मुख्यमंत्रियों ने मास्क पहन रखे थे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आम नागरिकों को घर पर बने मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बाजार में मिलने वाले मास्क की जगह गमछा, रुमाल या अन्य तीन परत में बनाया गया कपड़ा का मास्क भी पहना जा सकता है। अपनी इसी का पालन करते हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार की कॉन्फ्रेंस में घर पर बना हुआ मास्क पहना था। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों में लगे हुए सभी संबंधित एजेंसियों और हितधारकों के संपर्क में है, साथ ही राज्यों से इस विषय पर विचार भी प्राप्त किए गए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से ऐसे समय से बात की है जब माना जा रहा है कि सरकार देश भर में लागू लॉकडाउन को कुछ संभावित छूट के साथ बढ़ा सकती है। गौरव तलब है कि पंजाब और ओडिशा पहले ही अपने राज्यों में जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा चुके हैं, वहीं देश में जारी लॉकडाउन आने वाले मंगलवार को खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार से विचार मांगे हैं, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि क्या अधिक लोगों और सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वर्तमान में जारी लॉकडाउन में केवल जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। 2 अप्रैल को हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जारी लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रियायतों के अलावा कम से कम एक पखवाड़े तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की। उन्होंने रैपिड ट्रेडिंग किट की जल्द आपूर्ति के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने फैशनेबल मास्क की जगह गमछे का प्रयोग करने की सलाह दी थी। विश्वकर्मा ने मास्क के संबंध में बताया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मास्क डॉक्टरों तथा ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक है। सारदी प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग अपने सिर पर गमछा बांधते हैं या तौलिया रखते हैं, अब उसी से मुंह ढकने की आदत डालने के बारे में सबको सलाह दी जानी चाहिए।